हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग के ऊपर। आज फिर से हम लोग आ चुके हैं, मेरे बैकग्राउंड पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा, जॉयस बाइक पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं। भैया के पास नया नया बहुत स्टॉक आ गया है सुपर बाइक का, यूज सुपर बाइक का। तो एक एक करके सबके डिटेल्स में जानेंगे, क्या क्या प्राइस है, कितना मॉडल है, सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। मेरा नाम है सोमेन, आप लोग देख रहे हैं जन न्यूज़ सोमेन। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पहले जितने भी बाइक्स आप लोगों को दिखाए थे, तो भैया के सामने फिर से हम लोग मौजूद हो गए भैया के जॉयस बाइक पॉइंट के शोरूम में। भैया फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है, आपका दुकान में मेरा स्वागत है। तो आज कौन कौन सा बाइक आप दिखाएंगे भैया, बता सकते हैं? आज कुछ बाइक्स ऐड हुआ है, उधर से कुछ बाइक्स सोल्ड हो गया। तो अभी स्पोर्ट्स बाइक में दिखाएंगे, कुछ क्रूजर बाइक में आया है कुछ, तो स्पोर्ट्स और क्रूजर आज दिखाएंगे आप लोग को। तो शुरुआत कहाँ से होगा? स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से स्टार्ट करें। तो पहला शुरुआत करते हैं हम लोग कावासाकी निंजा 650 से ना? निंजा 650 से। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं पहले बाइक से। भैया इसके बारे में कुछ अगर बता देते, इसका मॉडल बता दीजिए। ये 2020 का गाड़ी है, BS4 मॉडल है निंजा 650। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये गाड़ी ओनली 2800 किलोमीटर्स चला हुआ है। ओनली 2800 किलोमीटर्स चला हुआ है गाड़ी। और गाड़ी सिंगल ओनर गाड़ी है, और गाड़ी में कुछ चीज़ें एक्सेसरीज आपको मिल जाएगा, जैसे फ्रेम स्लाइडर मिल जाएगा, लीवर प्रोटेक्टर मिलेगा आपको, रेडिएटर ग्रिल मिलेगा इसके साथ, आपको सीट काउल भी मिलेगा। अभी तो सीट लगा हुआ है, सीट काउल भी मिलेगा इसके साथ। तो ये कुछ एक्सेसरीज आपको लगा हुआ है गाड़ी में। तो कौन सा साल के बोले? 2020 का गाड़ी है, 2020 का स्टार्टिंग का गाड़ी है, और BS4 गाड़ी है सिंगल ओनर। और ये गाड़ी हम लोग के पास आस्किंग प्राइस इसका है 4,85,000। ऑन टेबल नेगोशिएबल। नेक्स्ट हम लोग के पास है CBR का 1000 RR फायरब्लेड SP। आपका लास्ट वीडियो में आपको हम लोग को दिखाए थे CBR 1000 RRR। ये है RR SP। वो RRR स्टैंडर्ड था, RRR का जो SP है वो इंडिया पे लॉन्च नहीं किया। ये है RR का SP। तो SP स्टैंडर्ड मॉडल से बहुत डिफरेंट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे ब्रेम्बो ब्रेक मिलता है इसमें आपको, फिर ओलिंस का सस्पेंशन मिलेगा फुल्ली एडजस्टेबल, मार्चेसिनी का एलॉय मिलेगा, और इसका फिर इसका जो फुट पेग्स है वो थोड़ा ऊपर है, पीछे है, इसका हैंडल भी थोड़ा डाउन है, तो इसका पोस्चर भी अलग है नॉर्मल फायरब्लेड से। इसके अलावा इसका जो सीट काउल है ये भी आपको दिखेंगे डिफरेंट टाइप का। और इसका ये गाड़ी ऐसे तो सिंगल सीट ही आता है, इसमें डुअल सीट का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें फुट पेग अलग से लगाया हुआ है, तो इसमें आप सीट लगा के आप इसमें डुअल सीट कर सकते हैं। तो ये 2015 का गाड़ी है, बहुत रेयर बाइक है, करेक्ट फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा 10 या 12 पीस जितना मुझे पता है इंडिया में है। और वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न इंडिया पे एक ही बाइक है अभी, और ईस्टर्न इंडिया में एक ही बाइक है। और इसमें कुछ चेंजेस हैं, अलग से कस्टमर एक्रोपॉपिक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इंजन कवर लगा हुआ है, फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है RNG का, विंगलेट लगा हुआ है, प्यूक का विंडस्क्रीन लगा हुआ है, स्पूल्स लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ लगा हुआ है गाड़ी में। और ये गाड़ी का चला हुआ है 27,000 किलोमीटर और 27,000, और ये सेकेंड ओनर बाइक है 2015 का। इसका आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है 9 लाख रुपया। ओके, तो भैया नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुजुकी हायाबुसा 2017 मैन्युफैक्चर्ड एंड 2019 रजिस्टर्ड, 16,000 किलोमीटर चला हुआ है, थर्ड ओनर बाइक है गाड़ी में,
स्टॉक एग्जॉस्ट लगा, मतलब एग्जॉस्ट में कुछ लगा नहीं है, स्टॉक एग्जॉस्ट ही है। इसके अलावा इसमें फिल्म स्लाइडर लगा हुआ है टीडीएक्स का, विंडस्क्रीन लगा हुआ है और ये छोटा मोटा कुछ टैंक टैंकर लगा हुआ है, स्टॉर्म ग्रिप लगा हुआ है, ये छोटा मोटा कुछ एक्सेसरीज लगा हुआ है गाड़ी में। और थर्ड ओनर नहीं, थर्ड ओनर बाइक है और इसका जो आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है वो है 12.5 लाख रुपया। 12,50,000। और सर इसका ईयर कितने बोले आपने? 2017 मैन्युफैक्चर, 2019 रजिस्टर्ड, 2019 का गाड़ी है। बढ़ते हैं अगले बाइक की तरफ, स्पोर्ट्स बाइक की तरफ। अभी मेरे सामने जो बाइक दिख रहा है इसके बारे में कुछ बता दीजिए। यह है BMW S1000 RR 2022 जनवरी का गाड़ी है, प्रो मॉडल है ये। इसका तीन वेरिएंट आता है, स्टैंडर्ड, प्रो एंड एम स्पोर्ट्स। ये प्रो मॉडल मिडिल वेरिएंट बोला जाता है इसको। और ये 5400 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी, और गाड़ी कंप्लीट स्टॉक है, गाड़ी में कुछ लगा नहीं है। और सिंगल ओनर बाइक है, WB रजिस्टर्ड। और इसका नया कुछ 25.5 ऐसा कुछ आता है। okay. और हम लोग के पास इसका जो प्राइस है वो है ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट, हाँ। ओके सर, आप कुछ हिंट्स दे सकते हैं कि कितना लेके आना पड़ेगा? फिर भी मिनिमम अबव 20 जाएगा, लेकिन नया से अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, देख सकते हैं। एकदम प्रीमियम सुपर बाइक आपके सामने जैसे रखा हुआ है, ये भी आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में। जो इसका बेस्ट प्राइस होगा वो भैया के पास से आपको मिलने वाला है। तो अभी मेरे सामने जो सुपर बाइक खड़ा हुआ है इसके बारे में कुछ बता दीजिए भैया। ये है BMW का S1000 RR, पहले आपको जो दिखाया है वो है 2022 मॉडल, जो करंट तो न्यू मॉडल आ गया है। फिर ये जो है ये 17-18 मॉडल है, 17-18, हाँ। ये सिर्फ 15 से आया था, 15 से 19 तक ये मॉडल चला, 19 के बाद से 19 एंड से ये मॉडल आया, जो अभी आपका 2022 तक चला, 2023 से न्यू मॉडल लॉन्च किया। सो ये जो मॉडल है ये प्रो मॉडल बाइक है। इस ये जब मॉडल था तब स्टैंडर्ड प्रो दो मॉडल ही आता था, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है प्रो मॉडल। और ये 17 एंड का रजिस्ट्रेशन है, 17 मैन्युफैक्चर्ड, सेकेंड ओनर बाइक है, ओडी रजिस्टर्ड बाइक है। और गाड़ी 7200 किलोमीटर चला हुआ है, 20 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी। और गाड़ी में एक्सेसरीज फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है, एयरमैक्स का विंडस्क्रीन लगा हुआ है, रेडिएटर ग्रिल लगा हुआ है, और इसमें डायमंड का आपका एडजस्टेबल फुट पेग्स लगा हुआ है, और इसमें आपको स्पूल्स लगा हुआ है, और टैंक पर लगा हुआ है मोटोग्राफी का पूरा जो स्टिकर किट आता है, स्टिकर सेट आता है BMW का, वो कंप्लीट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये बाइक का नया तब अराउंड 26 के आसपास प्राइस था। तो हम लोग के पास अभी इसका प्राइस है 17 लाख। हाँ, अभी तक तो हम लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी में देख रहे हैं। हाँ, एक खास सवाल है आपके पास, अगर जो निंजा ZS25R जो मतलब बाहर में चलता है यहाँ पे बहुत कम, तो वो बाइक आपके पास मिल सकता है? नहीं, हम लोग के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 250 सेगमेंट है, हम लोग के पास 600cc का अबव बाइक्स मिलेगा। okay. और वो बाइक हम लोग के पास नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई। ओके, अगर आपके पास कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट है जो आप बता नहीं, नहीं हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी बढ़ते हैं सर क्रूज सेगमेंट के ऊपर। हाँ, तो कौन सा बाइक अभी दिखाने वाले हैं सर? ये है हार्ले डेविडसन का Ion 83। ओके, और ये 2019 का बाइक है, ये सिंगल ओनर बाइक है। हाँ, ये सिंगल ओनर बाइक है। और गाड़ी में एक्सेसरीज आप देख सकते हैं, वेंसन एंस का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। okay. ये इसमें आपको ये एयर फिल्टर मिल जाएगा। okay. इसके अलावा हैंडल बार लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, आफ्टर मार्केट आपको ये हार्ले डेविडसन का लेग गार्ड मिल जाएगा। okay. बैक सीट लगा हुआ है। ये तो सर आफ्टर मार्केट है या फिर लोग? नहीं, ये स्टॉक मिरर। okay. तो ये सारे एक्सेसरीज लगा हुआ है गाड़ी में। और इसका हम लोग के पास जो आस्किंग प्राइस है वो है 7 लाख रुपया। हाँ, इसका सर यार क्या बताया था आपने? 2019। ओके सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सुपर बाइक की तरफ। यहाँ पर रखा हुआ है, ये ट्रैम बॉबर है, बॉनविल बॉबर, मेरा बहुत पसंदीदार बाइक है, लेकिन ये बाइक ऑलरेडी बुक हो गया है। ओके, तो इसका प्राइस हम नहीं बोल पाएंगे अभी, उसलिए रिवील। ये 2017 का गाड़ी था, सेकेंड ओनर बाइक था, और ये चला हुआ था लगभग 6,500 कुछ करीब चला हुआ था गाड़ी। ये बुक हो गया ना? ये बुक हो गया। ओके, तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। नेक्स्ट हम लोग के पास है ट्रैम का बॉनविल स्पीड मास्टर, और ये बाइक अपने आप में एक बहुत अच्छा बाइक है, और मतलब बहुत पसंदीदा बाइक है लोगों का।
तो ये 2020 का बाइक है और 19,000 के आसपास कुछ चला हुआ है गाड़ी। 19,000 हाँ, और गाड़ी कंप्लीट स्टॉक है। इसमें आपको ब्रेम्बो ब्रेक मिलेगा, राइडिंग मोड मिलेगा, फिर आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। और ये गाड़ी का नया कुछ 13.5 लाख के आसपास प्राइस है और हम लोग के पास इसका आस्किंग प्राइस है अराउंड आपका ये 9 लाख रुपया। 9 लाख? हाँ, 9 लाख। ये भी सर ऑन टेबल नेगोशिएबल है? ऑन टेबल नेगोशिएबल है। अभी मेरे सामने जो सुपर बाइक्स खड़े हैं, ये साइज में तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। नाम एक बार बता दीजिए सर। फैट बॉय। फैट बॉय नाम भी बहुत बड़ा है, तो हाँ। सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ये हार्ली डेविडसन का फैट बॉय है। ये 107 CI मॉडल बोला जाता है इसको। इसको ऊपर एक मॉडल आता है 114 CI मॉडल। ये 107 CI मॉडल है और इसका कलर जो है ये बहुत रेयर कलर में आता है जी। ये कलर बहुत रेयर आता है इस मॉडल में। 2018 का बाइक है, सेकेंड ओनर बाइक है, 18 मैन्युफैक्चर्ड एंड 18 रजिस्टर्ड बाइक है। इसमें भी आपको बैक सीट, बैक रेस्ट, लेग गार्ड, फुट पेग, ये सारे एक्सेसरीज लगा हुआ है। और इसका जो आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है वो है 13.5 लाख रुपया। अभी तो 26 के आसपास कुछ प्राइस आपको आधे प्राइस में मिल जाता है। यहाँ पे जो सुपर बाइक खड़ा है, हालचाल मतलब रोड में तो हम लोग देखते रहते हैं इंट्रोडर नाम से, लेकिन ये उसका बड़ा भाई है, एकदम सुजुकी का ही है, तो इसके बारे में सर कुछ बता। रोड में हम लोग जो देखते हैं वो बाद में आया, ये बहुत पहले से आया। ये इंट्रूडर M1800 है और इसका बोला जाता है बॉस एडिशन। ये जो एडिशन है ये वेस्ट बंगाल में एक ही गाड़ी है और और इसमें इसका जो कलर आप देख सकते हैं बहुत अलग है कलर। इसमें कस्टम पेंट किया हुआ है पूरा। ये पेंट कस्टम है? पूरा कस्टम पेंट किया हुआ है। इसमें टेक्सचर भी बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। इसका जो कलर का भी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। आप लोग देख लीजिए, ये सुपर बाइक को पहले गौर से देखिए एक बार। इसका साइज देखिए, जो फैट बॉय अभी दिखाए थे ना उसी के एकदम बराबर, मतलब दोनों में उससे भी बड़ा है ये। हाँ, उससे भी बड़ा साइज में गाड़ी। हाँ। है तो सर ये 2015 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 16,000 के आसपास कुछ चला हुआ है गाड़ी और इसका आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है 8.5 लाख रुपया बस। मतलब 8.5 लाख में इतना बड़ा एक गाड़ी आप ले सकते हैं। देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 8,50,000 में इतना बढ़िया एक सुपर बाइक जो क्रूज मॉडल में है, तो वो आप अपने घर ले जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? जॉयस बाइक पॉइंट की तरफ से। भैया जितने भी सुपर बाइक्स था मतलब नया स्टॉक में, सब कुछ तो हम लोग कवर कर चुके। आप कुछ बताना चाहते हैं सर मेरे बारे में, चैनल के बारे में? भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं चैनल के ऊपर, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसा वीडियो अगर आपको और देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कीजिए। अच्छा लगा, कुछ भी नेगेटिव लगा तो कमेंट कीजिए, भाई उसको सुधार लेगा। और शेयर तो ज़रूर कीजिए वीडियो को। और सर मैं एक सुपर बाइक के मुताबिक एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे EMI का ऑप्शन पहले की तरह अभी भी? नहीं, EMI अभी तो बंद है। Okay. EMI नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, मतलब कमिंग फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तब तो बहुत आसानी हो जाएगा सुपर बाइक खरीदने में। तो चलिए भैया, सबको मतलब मेरे वीडियो में ऐसे बरकरार रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। जॉयस बाइक पॉइंट में मेरा ये दूसरा वीडियो है, कैसा लगा जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए टाटा।